हेलो एवरीवन, जो हमने अपना चैप्टर लाइट शुरू किया था उसका आज हम पार्ट सेकंड देखेंगे कि मिरर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सीटेट एचटेट में क्वेश्चन आते हैं और जो डीएसएसबी में भी आने की प्रोबेबिलिटी है उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और हम मिरर के बारे में भी और में पढ़ेंगे। अब पहले देखो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। फर्स्ट तो देखते हैं कि इमेज क्या होती है। दो तरह की इमेज होती है, एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है, जैसे अब जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है तो ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है, उल्टी इमेज है। ठीक है, इसका जो लेफ्ट होगा वो इसका राइट दिखाई देगा। रियल इमेजेस क्या होती हैं, फर्स्ट हम लिख लेते हैं रियल इमेज। रियल इमेज को हम किस तरफ, इस नेगेटिव साइड में, मींस अपोजिट, हम उसको हमें अपोजिट मिलती है। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मींस उल्टी होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो नीचे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, तो जो नीचे उल्टी इमेज मिलेगी वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन लगा दूँ तो, या फिर यहाँ पे स्क्रीन लगा दूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे स्क्रीन लगाने से इमेज ऑब्टेन नहीं होगी। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इन्वर्टेड होती है, स्क्रीन पे मिल सकती है। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज क्या होती है, हमारी इरेक्ट होती है, मीन्स सीधी होती है। ठीक है, और जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो, जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा। ठीक है, इन्वर्टेड होती है, हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, और रियल इमेज में क्या होगी, जो हमारी रियल इमेज होगी उसमें ऑब्जेक्ट हमें कैसी दिखाई देगी, कन्वर्जिंग दिखाई देगी। और वर्चुअल इमेज में क्या होगी, हमें कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट दिखाई देगी, जैसे ये हमें किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आई होप आपको इमेजेस पता चल गई होंगी। पहले हम इमेजेस देख लेते हैं कि इमेज क्या होती है, बार बार यूज़ होगी टर्म रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जो उस ऑब्जेक्ट की वास्तविक इमेज होती है, जो उसका लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट हो, जो उसका राइट है वो उसका राइट हो, लेकिन ये क्या होती है, अप डाउन वाली होती है। ठीक है, जैसे वाटर इमेजेस होती हैं, वो कैसी इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस होती हैं। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो मिरर वाली इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। अभी हम मिरर के बारे में भी देख लेते हैं, मिरर कैसे होते हैं हमारे, प्लेन मिरर होते हैं और स्फेरिकल मिरर होते हैं। प्लेन मिरर कौन सा होगा, जो इस तरह से सीधा है आपका। ठीक है, जो वन साइडेड जो है ना, 50% 70% जितनी भी हम पॉलिश करना चाहें उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। उसके बाद है सेकंड टाइप का आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका कनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, जैसे ये केव टाइप स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ बाहर से रिफ्लेक्टिंग, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और जो बाहर की तरफ, जैसे स्पून है आपकी, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये देखो, अब यहाँ से इमेजेस किसी पॉइंट से आती हुई सीम्स हो रही हैं, तो ये कैसी इमेज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो आपका कनकेव मिरर है, ये कैसी मिरर बनाता है, कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ये किसी एक पॉइंट पे फोकस होंगी, क्योंकि ये रियल की जो है प्रॉपर्टी है कि किसी एक पॉइंट पे फोकस होती हुई दिखेंगी, और ये वर्चुअल की प्रॉपर्टी है कि वो किसी पॉइंट से आती हुई सीम्स होंगी। तो आपको दो टाइप के मिरर पता चल गए, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपका सीधा होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू मिल जाएगी। और कनकेव मिरर क्या होगा, कि वो हम डिस्टेंस और उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी दूरी से आ रहा है। ठीक है, अब प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर ये ऑब्जेक्ट हो गई, इससे ऑब्जेक्ट से ये जो लाइट आएगी, मैंने पहले ही बताया था एक इंसिडेंट लाइट होगी, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट जो आएगी।
ये मिरर रखा है यहाँ से जो वापस चली गई, ठीक है, ये इस तरह से बनाई गई है। ये क्या बोलते हैं हम, जो रिफ्लेक्ट हो गई वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये इस तरफ जाती है ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये इसमें दिखाया गया है रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना उसको, इसको एक्सटेंड करा है रिफ्लेक्टेड रे को इस तरफ से, जो मैंने आपको बताया था सिंपल डायग्राम के थ्रू। वो क्या था कि ये एक हमारा, ये हमारे जो है ना प्लेन मिरर हुआ, मैंने इस तरह से रखा था, अब ये इस पोजीशन में रखा गया है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, बोथ लाइन द सेम प्लेन। ये देखो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो जो एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल फॉर्म होगा ये कौन सा होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो सेकंड वाला है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आई आपको ला बताई थी, ला ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसका अभी यूज होने वाला है। और देखो दोनों क्या है, इस वाले प्लेन में है ना कि इस वाले प्लेन में, और इस वाले में इमेज बन रही है, तो ये कैसी इमेज बन रही है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ये देखो यहाँ से इस पॉइंट से आती हुई सीम्स हो रही है। और वर्चुअल इमेज का कैसे पता लगाओगे, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके जस्ट लेफ्ट का राइट हो गया, तो ये भी क्या है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज कहाँ बनती, अगर यहाँ पे देखो ये बन रही रियल इमेज, कोई ऑब्जेक्ट है दूर से और उसकी ये इमेज बन रही है, ये है रियल इमेज, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर क्या है, ये ऑलवेज कैसी बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। अब वर्चुअल भी आपको मीनिंग पता है, इरेक्ट भी आपको मीनिंग पता है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का, जो साइज़ होगा और जो इमेज का साइज़ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम द मिरर, ये भी डी डिस्टेंस होगा और ये भी कितना होगा, डी डिस्टेंस होगा। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये डी डिस्टेंस पे है, ये भी कितना है, डी डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द मिरर, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू द मिरर। और अगर हमसे प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कह दिया जाए तो कितना होगा, वो 2D होगा। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में प्लेन मिरर में कितना डिस्टेंस होगा, तो जितना डिस्टेंस गिवन है उसका 2 गुना कर दीजिए उन दोनों के बीच में, उतना डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी डी डिस्टेंस है और यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का पता चल गया। और इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर में लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है। प्लेन मिरर कौन कौन से प्लेन मिरर होंगे, जो आपने अपने घरों में होते हैं, ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। अब एक टर्म आती है डेविएशन। मैं प्लेन मिरर की जो एप्लीकेशंस है या फिर ये जो यूजेस है वो भी बताऊंगी, उससे पहले एक टर्म देखते हैं डेविएशन। देखो ये लाइट इंसिडेंस हुई, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो जो ये प्लेन मिरर है, ये जो एंगल है देखो, यहाँ पे ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में कितना डेविएट हुई है, ये जो रे थी, अगर इसको रिफ्लेक्ट भी होना पड़ गया और रिफ्रैक्ट भी होना पड़ गया, तो जो ये एंगल फॉर्म करेगी, मींस कितना जो है ना ये डेविएट हुई है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का कोई सिंबल मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। और ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 डिग्री माइनस 2i या फिर 2r, ठीक है, इसको नोट करो। देखो कैसे होता है, ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा किसी भी लाइन के साथ इमेज। तो ये देखो ये इंसिडेंस आई है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो एंगल बना ये पूरा का पूरा कितना बना, 180 डिग्री बना। तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होता है, तो आई और आर दोनों का सम कितना हो गया, 2r ले लो या फिर 2i ले लो, तो 180 डिग्री में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगी तो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया,
ठीक है। प्लेन मिरर जो सिंगल मिरर है वो एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है एंगल ऑफ डेविएशन की। आपने शीश महल वगैरह नाम सुना होगा कि आप जो है ना शीश महल में गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको अपनी नंबर ऑफ इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो कितने मिरर लगाएं, कितनी इमेजेस मिले, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस पे रिलेटेड मैं सवाल भी करवाऊंगी डेविएशन पे। तो पहले देखो कि नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ, जैसे मान लो एक मिरर यहाँ पे लगा दिया आपने, एक मिरर यहाँ लगा दिया, एक मिरर यहाँ लगा दिया, एक मिरर यहाँ लगा दिया, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इस रूम में। तो आपको क्या दिखाई देगी, आपकी नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देंगी। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेजेस को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो कितना होता है 360 डिग्री बाय में थीटा माइनस में वन। अगर 360 डिग्री बाय थीटा, अगर आपका 360 बाय थीटा इवन है तो हम उसमें से वन माइनस कर देंगे, और अगर आपका 360 डिग्री बाय में थीटा कितना है ऑड है तो हम सीधा का सीधा वो रिप्रेजेंट करेंगे, मींस ऑड नंबर के टर्म में आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो प्लेन मिरर जो है ना आपने 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिए, ये एक मिरर है, ये एक दूसरा मिरर है, ठीक है। इन दोनों को आपने 60 डिग्री पे लगा दिया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दी। अब आपसे पूछ लिया इसकी नंबर ऑफ इमेजेस इन दोनों के रिफ्लेक्शन से कितनी बनेंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे, 360 बाय में 60, ठीक है। कट किया, कितना आया, 6 आया। अब ये क्या है, इवन है, तो इवन है माइनस वन, तो 5 इमेजेस बनेंगी अगर दो ऐसे मिरर 60 डिग्री पे आपने लगा दिए। तो शीश महल वगैरह में नंबर ऑफ मिरर्स लगे रहते हैं और आपको नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से निकला जाए, है ना, पता नहीं चल पाता कौन सी दीवार है, कौन सा गेट है, कौन सा कहां पे इमेजेस है, है ना। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमें कितनी हाइट का मिरर चाहिए, कि कोई आदमी है, मान लो ये कोई पर्सन है, इसको अपनी इसको कितनी लेंथ का मिरर चाहिए कि ये अपनी एटलीस्ट जो है ना कंप्लीट इमेज देख सके, अपनी पूरी इमेज देखने के लिए इसको कितनी हाइट का मिरर चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई मिरर चाहिए कि इसकी पूरी हाइट दिखाई दे जाए, ये यहाँ पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, इसको पूरी की पूरी हाइट दिखाई दे जाए तो इसको कितना मिरर चाहिए, ठीक है। ये नहीं मूवेबल है, इसका पूछा जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट आएगा कि उसको एटलीस्ट अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई दे जाए, कितना साइज़ का उसको मिरर चाहिए। तो h बाय 2 जो इसकी हाइट है उसका आधे साइज़ का मिरर चाहिए, उसको अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई दे जाएगी। तो ये टर्म आपको याद रखनी है कि h बाय 2 हाइट चाहिए किसकी, मिरर की, कि आदमी अपनी पूरी की पूरी वो देख ले, या फिर जिस दीवार पे वो लगाया गया है। एक टर्म और याद रखनी है, जिस दीवार पे लगाया गया है उस दीवार की हाइट का एक तिहाई हिस्सा जो है ना शीशा हो, और जिस दीवार पे लगाया गया है, जिस रूम में लगाया गया है, आदमी जो है ना बिल्कुल मिड में खड़ा हो तो भी उसको अपनी पूरी इमेज दिखाई दे जाएगी। ये दो टर्म याद रख लेना। एक सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन होता है कि एक आदमी है जो वी स्पीड से आ रहा है मिरर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी इस तरफ, ये इस तरफ खुद है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। एक मैन है जो वी स्पीड से आ रहा है, तो उसकी इमेज जो है ना वो कितनी स्पीड से मूव करेगी। जैसे डिस्टेंस का था ना, ये डी था तो ये भी डी था, जब डिस्टेंस दो गुना बढ़ेगा तो स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार, मतलब आपको v दे देंगे, कहेंगे क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि v स्पीड, v की वैल्यू दे देंगे, इतनी स्पीड से आ रही है टॉवर्ड अ मिरर, अब बताओ उसकी इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगी। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द इमेज विल बी
टू वी, टू गुना टू इंटू कर देना, जो भी वी की वैल्यू दे रखी हो वो हो जाएगी टू वी। ठीक है, अब देखो यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या यूज़ है? सबसे पहले तो आपका जो घरों वाला मिरर है वो क्या हो गया? प्लेन मिरर हो गया। एक होता है आपका पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप सबमरीन्स में यूज होता है, वहाँ पे भी आपका प्लेन मिरर यूज़ करा जाता है। ब्लाइंड टर्न्स ऑन द रोड, वहाँ पे भी क्या करा जाता है? ब्लाइंड टर्न्स के लिए भी कौन सा यूज़ होता है आपका? वो प्लेन मिरर यूज़ होता है। एक आता है आपका कैलिडियोस्कोप, कैलिडियोस्कोप, जो बच्चे जो है ना कलरफुल इमेज पैटर्न, मैं आपको इमेज लगा देती हूँ कैलिडियोस्कोप की, एक बहुत सुंदर सी इमेज जो है ना वो आपको देखने को मिलती है। ये देखिए इस तरह का क्या मिलता है आपको, एक कैलिडियोस्कोप जो टॉय होता है, वहाँ पे भी आपका क्या होता है, फैशन डिज़ाइनर्स वगैरह यूज़ करते हैं इसको, और बच्चों के टॉय वगैरह में भी आता है। ये क्या है? एप्लीकेशन है प्लेन मिरर की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, दो टाइप की इमेजेस बनती हैं आपकी, रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का भी पता चल गया आपको, जो कि क्या होगी, इन्वर्टेड होएगी, और ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, दोनों डिस्टेंस डी पे होगी। दो तरह के आपके मिरर होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे, वर्चुअल इमेज को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर हमारी वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। इरेक्ट मीन्स खड़ी हुई सीधी, ये क्या करता है। दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपके किसके एग्जांपल है, स्फेरिकल मिरर के। प्लेन मिरर में इमेज किस तरह से फॉर्म होती है वो आपको पता चल गया है, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है वो भी आपको पता चल गया है। एंगल ऑफ डेविएशन पता चलने के बाद हमने देखा था कि हमें मिरर जो है ना कितनी हाइट का चाहिए कि पूरी की पूरी आदमी की हाइट दिखाई दे जाए, तो h बाई टू का, और अगर वो कोई वॉल वगैरह दे रखी है तो h बाई थ्री हाइट का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके यूजेस हो गए। एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का वाला, मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है प्लेन मिरर से इंक्लाइन होने के बाद, कितने भी प्लेन मिरर से इंक्लाइन कर लो, 60 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, ठीक है, नंबर ऑफ मिरर्स जो है ना निकाल, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम 360 डिग्री बाय थीटा माइनस वन करते हैं इफ ऑड है, सॉरी इवन है, और 360 बाय थीटा रखते हैं अगर ऑड इंटीजर आ रहा है तो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स।